आर्थिक राजधानी इंदौर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रोजाना लगभग 1800 संक्रमित मरीज शहर में सामने आ रहे हैं। ऐसे में जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं सिलेंडर की रिफिल करने वाले की भी अपनी ही परेशानी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि सिलेंडर रिफिल करवाने पहुँचने वाले कई लोग सही डॉक्यूमेंट लेकर नहीं पहुँच रहे हैं, और जब सही डॉक्यूमेंट के अभाव में उन्हें सिलेंडर रिफिल करके नहीं दिया जा रहा है, तो लड़ाई झगड़े की नौबत बन रही है। सावेर रोड स्थित एक फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने वाले ब्रजेश विश्वकर्मा ने बताया कि उनके यहाँ से रोजाना लगभग 1200 ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किए जा रहे हैं। यह सिलेंडर कई अस्पतालों सहित ऐसे जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिन्हें कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। लेकिन उनका कहना है कि कई मरीजों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करवाने के दौरान डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और मरीज का आधार कार्ड जैसी जरूरत दस्तावेज साथ नहीं ला रहे हैं। ऐसे में यदि मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करके नहीं दिया जाता है, तो लोग झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करवाने वाले लोगों का कहना है कि अल सुबह से लाइन लगाने के बाद उन्हें बमुश्किल दोपहर बाद ही सिलेंडर मिलके दिया जा रहा है। बता दें कि इंदौर में आसपास के इलाकों से भी लोग ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में शहर में आपूर्ति और जरूरत ऐसे में शहर में आपूर्ति और जरूरत में अभी भी अंतर बना हुआ है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सर, हम देवास से आए थे, बड़ी मुश्किल से बाटला मिल पाया है और रात से लगे हुए थे। इलाज की व्यवस्था तो सिर्फ अपने उससे कर पा रहे हैं, बाकी बहुत हालत खराब है। अस्पतालों की तो हालत सब जगह गंभीर है। भाई, ये कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आए, अगर व्यवस्था ऐसी हो कि अपने को एक घंटे या दो घंटे में सिलेंडर मिल जाए, पर यहाँ क्या पूरा रात किसी किसी को दो दो दिन लग रहा है, तो बड़ी समस्या आ रही है। अब एक सिलेंडर कैसे का हो पाएगा? मेरा नाम शाही खान। सुबह 4 बजे क्या प्रॉब्लम आ रही है? समस्या है, कितना टाइम लग रहा है, लाइन में कितना खड़ा रहना पड़ता है यहाँ पे। कहाँ पड़ती है आपका? होम क्वारंटाइन में। कहाँ से इलाज चल रहा है? देवास से चल रहा है। देवास से हम लोग सुबह यहाँ पे आते हैं, 4 बजे यहाँ पहुँचते हैं, और अब जा करके हमारा नंबर आएगा। कितना बज रहा है अभी? 12 घंटे में 11:30 बजे अब हमारा नंबर आएगा, अंदर जाएगा बॉटल, और फिर 1-1.5-2 घंटे के अंदर वापस बाहर आएगा। परेशान हो जाते हैं इतनी धूप में। अर्शिल खान। यहाँ पे शिकायतें कुछ इस तरह की हैं कि लोग जिनके परिजन वाले यहाँ सिलेंडर लेने आ रहे हैं रिफिल के लिए, अधिकांश लोगों के पास उनके पास ना तो कोई आईडी है, ना पेशेंट का कोई रिकॉर्ड है, ना कोई रिपोर्ट है उनके पास कोविड की। तो इस तरह हमें बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ रही है। हम लोगों को ये भी समझाते हैं कि आप अपने साथ आईडी लाएं, होम आइसोलेट पेशेंट है तो उसका डॉक्टर का लिखा हुआ कार्ड लाएँ, इस आधार पर हम उनको दे रहे हैं। अगर पेशेंट आपका डिस्चार्ज हो गया है तो डिस्चार्ज कार्ड लेके आएँ साथ में, उसके बेस पे हम दे रहे हैं। लोगों को दिन भर यही समझाते हैं कि कागज़ लेके आएँ अपने साथ, जो भी रिकॉर्ड है आपके पास। 300 रुपये का दे रहे हैं सर, 300 रुपये एक पेशेंट के लिए, एक सिलेंडर अप्रे कर। लगभग 1200 सिलेंडर जाते हैं सर, जिसमें हॉस्पिटल है हमारे, वो पेशेंटों को भी दे रहे हैं। नाम बताइए आपका? ब्रजेंद्र विश्वकर्मा। आदर्श ऑक्सीजन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।